अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फादर एंड सन एडवेंचर्स। तो भाई ये बहुत स्पेशल व्लॉग है। अमूमन हमने जितने भी बस रिव्यूज दिए हैं वो ऐसे दिए हैं कि हमने आपको तमाम जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो तो फराम की है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि हम उसमें गए नहीं है। लेकिन इस बार इन्होंने तकरीबन एक हफ्ता होता है अपनी स्लीपर बस जो है ना वो उसका इनाकात किया है, कोयटा टू इस्लामाबाद स्लीपर बस अल सैफ। कराची तो भाई जा रही है, कराची इनकी सारी बस जाती है और नंबर वन सर्विस है इनकी। इस्लामाबाद देखते हैं कि इस्लामाबाद में इनकी कैसी सर्विस है। डैडी जी मैं आपको शामिल करूं उसमें, फिर आप बोलोगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं जबल नूर। यस, जबल नूर इनका अल सैफ का अभी नई सर्विस शुरू हुई है और कोयटा इस्लामाबाद के लिए। कराची तो इनकी बसें चलती रहती है लेकिन इस्लामाबाद के लिए सर्विस अभी शुरू हुई है और वो स्लीपर है, इनका सिर्फ स्लीपर बस है इस्लामाबाद के लिए। तो आज हमने ये सोचा कि हम इस्लामाबाद जाते हैं, आपको उसका जो है रिव्यू देते हैं, टाइमिंग बताएंगे, कितने बजे पहुंचती है, क्या सफ़र है वहाँ का, क्या कुछ बीच में खाना देते हैं कि नहीं देते हैं, तो सर्वा सफ़र कैसा रहता है हमारा। अच्छा, ये 7 बजे इनकी कोच रवाना होती है, सही है? 7 बजे कोच रवाना होती है और स्लीपर बस फिलहाल अब तक इनके पास है। इनकी सर्विस तो वैसे सबसे बेस्ट होती है, तो देखते हैं इस्लामाबाद की इनकी सर्विस कैसी है, बाकी कहाँ रुकेगी, टोटल कितने घंटे का सफ़र है, कुछ रिफ्रेशमेंट देते हैं नहीं देते, किधर किधर स्टॉप है, ये जितना भी जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ये सब हम आपको फराम करेंगे, तो हमारे साथ रहें। इसके बाद आपको ये बता दें कि इनके जो है फेयर जो है यहाँ का कोयटा से इस्लामाबाद तक का वो 6,000 पर पर्सन, ठीक है ना? और ये स्लीपर बस है इसलिए 6,000 रुपये, बाकी बसों में शायद सस्ता होगा, उनकी टिकट सस्ती होगी, ये 6,000 रुपये है। अब देखते हैं हम चलते हैं इस पर, आज सफ़र करते हैं, आपको रिव्यू देंगे सफ़र का, बताएंगे इंशाल्लाह, और रास्ते में कहाँ कहाँ रुकती है, क्या देते हैं, सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। राजा जी जो अच्छा भाई, स्लीपर बस में घुसते हुए मेन चीज आपने शूज उतारते हो, आपको ये शॉपर दिया जाता है, आप शॉपर जो है शूज को शॉपर में डालते हो और अपने साथ अपने कैबिन के अंदर रखते हो। आए अभी आप वो कैबिन दिखाते हैं। अच्छा, हमारी सीट पीछे वाली है, हमने सेकंड रो में सीट ली हुई है अपनी, डैडी और मेरी आमने सामने है। ये वाली सीट जो है ना, ये वाली मेरी है, ये वाली डैडी की है और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त न्यू प्यारी जबरदस्त गाड़ी है, फ्रेश। नई गाड़ियों की जो स्मेल होती है ना वो भी आ रही है इसमें। अच्छा, ये सीट हो गई भाई। ओ भाई, तकिया भी साथ दिया हुआ है, ये तकिया हमने इधर रखा, ठीक है सर। ये टोटल स्पेस है, ये देखें भाई, ठीक है। बाकी इसमें जो है ना LED भी लगा हुआ है और साथ में आपको हेडफोन भी दिया हुआ है, लाइट्स वगैरह हैं, बेल बजा सकते हैं आप, साथ में ये रिमोट है, कप होल्डर है। अच्छा, यहाँ से आपकी सीट आगे पीछे होती है, आप बिल्कुल ऐसे लेट जाएं। ये तकिया साथ दिया हुआ है आपको, ये आपने तकिया रखा, ये देखिए मैं पूरा लेटा हूँ और मेरे पाँव जो है ना फुल कंफर्टेबल है, अगर आपको नजर आ रहे हैं इधर तो ऐसे जबरदस्त नींद आएगी और माशाल्लाह कंफर्टेबल ही बहुत लग रही है। अच्छा, रिमोट है, LED है, साथ में आपके पास इधर फास्ट चार्जर है। अच्छा, फास्ट, हाँ फास्ट चार्जर यहाँ पर अवेलेबल है, हेडफोन है, ये आ गया तकिया, ये आ गया तकिया, सीट पीछे की हमने, और गुड नाइट। अच्छा, दोनों साइड से पर्दे हैं, कर्टन से आप बंद कर दें, हाँ। आपका रूम बन जाता है, कोई डिस्पेंस, कोई रोशनी नहीं, आप चाहें तो अपनी रोशनी बंद कर दें, लाइट खोल दिया। अच्छा, और साथ में यहाँ पर भी आपकी अपनी प्राइवेसी हो सकती है अगर आप इसको बंद कर दें। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, ये पूरी गाड़ी है माशाल्लाह, पीछे बहुत खूबसूरत गाड़ी है, जबरदस्त इंशाल्लाह। एंड वन मोर थिंग, नो स्मोकिंग। ये आपको बताता चलूं कि अल सैफ वालों ने ना अपने
आपने ये ऑफिस ही अलग जगह पे बनाया, मतलब जिधर से इनकी कराची बसेस वगैरह चलती हैं ये वो ऑफिस नहीं है, इनका ऑफिस ही बिल्कुल अलग है, अलग लोकेशन पे क्वेटा में। और अभी इन्होंने न्यू सर्विस शुरू किया है, बिल्कुल न्यू गाड़ियाँ हैं इनकी। तो और मेरे से पूछे ना तो गाड़ी के अंदर वो न्यू गाड़ी की स्मेल आती है ना बस के अंदर, वो स्मेल की, और हर चीज़ न्यू न्यू। तो मतलब मैं तो लकी हूँ कि मुझे इसमें जो है ना सफ़र करने का मौका मिल रहा है। काजगर होटल किला सैफुल्ला पे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का भी यहाँ क्वेटा से इधर तक का सफ़र है। बहुत स्मूथ, बहुत ज़बरदस्त, आहिस्ता चला के रहा है, ना किसी खट्टे में अलहमदुल्ला मारा है, ना कोई झोल वगैरह। मैं तो मूवी हुई देखते हुए आया हूँ, फुल टाइट। और एक और चीज़, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं, सिर्फ पानी की एक बोतल दी है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टी वी मैं तो मूवी वगैरह देखते हुए आया हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू कोच है, बहुत मज़ा आ रहा है सीरियसली। अभी हम यहाँ पर खाने के लिए रोका है, हम कुछ खाते पीते हैं, फिर आपको वापस बताएंगे कि अगला स्टॉप कहाँ था और हमारा आगे का सफर कैसे गुजरा। स्टे ट्यून्ड, राजा जी। ये सारा 250 रुपीज का। हाँ बहुत सारी राजा सर, लज्जत है, आप आए हमारे साथ। अभी कैलेंडर हमसे पूछने आए थे, किसी चीज़ चाहिए तो आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच, मतलब बहुत स्पेशलिटी है। बाकी 2 बर्गर खाने के बाद भी आप यहाँ पर खाना खा रहे, शर्म नहीं आती आपको? बैठे तो आप पहले हो। अच्छा, किसके बर्गर से बताओ? मिस्टर सेकी का, जिसपे हमने ब्लॉग भी बनाया। ब्लॉग थंबनेल तो ये साइट पे है। कितने बर्गर के आप लोगों को डिटेल मिलेगी? 500 रुपीज के 4 बर्गर्स लिए, जिसमें 2 चपली कबाब पैटी वाले बर्गर थे और 2 जिंगर बर्गर थे, ओनली 500 रुपीज। रास्ते में हमने खाए, मैं तो दोनों खा गया, मज़ा आ गया। ठीक है सर, सड़क सही है, अच्छा है, दाल सही है, नॉट बैड। तो ये 2 रोटियां और ये साथ ये इसका वो है शोरवा टाइप का दिया हुआ है, सारे दिए हुए 250 का है। ठीक है, सही है, सफ़र में ठीक है। ये होटल जहाँ आए हुए हैं, ठीक है ना, खाओ खाओ सही, जो खाना खाते हैं फिर। और जी भाई, ये हमारे गाड़ी के उस्ताद हैं। सर आपका नाम? अब्दुल गनी उस्ताद। अब्दुल गनी उस्ताद साथ मेरी टाइट गपशप हुई है और बहुत ज़बरदस्त नेक इंसान है, और ड्राइविंग में तो और भी आला है माशाल्लाह। हमारे ड्राइवर चेंज हो गए, नए उस्ताद आ गए हमारे, ये ड्राइव कर रहे हैं सुबह फजर के बाद। सो गए तो पता ही नहीं रास्ते के, रास्ता कितना बाकी है, कितना हो गया उस्ताद, ये रात भर ये चलाते रहे सुबह तक।
तक पहुँच चुके हैं। ये इस्लामाबाद टूल प्लाजा, कैसा लगा सफ़र? सफ़र कैसा रहा? मेरे से पूछा टेन आउट ऑफ टेन। बीच में जो बुश वगैरह आए ना, बहुत वो डिस्टर्ब करते रहा, तकरीबन स्टाइक कार्ड चेक करने तीन साढ़े तीन बजे तक आए। उसके बाद तो मैं सर तुम सोचा कि जब मोटर्स पे शुरू हो गए ना, उसके बाद फिर कोई नहीं हुआ, वो चेक पोस्ट के बाद पता ही नहीं लगा सर। तो मैंने सोचा कि मैं सोचा कि जब मेरा शॉप्स वगैरह लूँगा खाऊँगा रोड फिर आप किसी के लिए नहीं आ रहे, लेकिन तब पता ही नहीं लगा। आप बताओ कैसे? मुझे बहुत मजा आया, नींद भी पूरी हो गई मेरी। चल देखते हैं, बात करते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम इस्लामाबाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं खड़ी है, बहुत ज़बरदस्त सफ़र गुजरा। अगर मेरे से पूछें तो 10 out of 10 हाईली रिकमेंडेड है और बहुत मज़ा आया। वापसी भी जाएंगे इंशाल्लाह, वापसी भी इंशाल्लाह। इसी में हमने नंबर ले लिए और अब इसी की टिकट बुक कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें बस इस वीडियो को। इतनी टिकट 9:30 बजे अभी 9:30 बजे पहुँचे तकरीबन, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सफ़र गुजरा। कम्फर्टेबल है, बहुत आराम जी बस। न्यू गाड़ी, स्टाफ बहुत अच्छा है इनका पूरा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप में। सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।